हकीम साहब, ज़्यादा खाना खा लें या फिर ज़्यादा मात्रा में डाइट अपनी हम कर लें, तो एक धारणा है लोगों के मन में कि हम मोटे हो सकते हैं, लेकिन मोटा होना और हेल्दी होने में फ़र्क है। हम मोटे तो हो जाते हैं लेकिन इंटरनल हम वीक रहते हैं, ऐसा क्यों? और क्या ज़्यादा खाना खाने से ही हमारा मोटापा बढ़ता है? खाना जो हम खाते हैं वो सब हजम हो जाता है जी और हमें उसका कुछ अंश मिल पाता है जो हमारे जिस्म की ज़रूरत होती है। लेकिन हम मोटे क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते, ये दो सवाल हैं। हमारे जिस्म में एक सिस्टम है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म यानी चर्बी काटने का और उसको संतुलित रखने का एक सिस्टम है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर वो हमारा सही हो, चर्बी जो भी हम खाते हैं ऑयली चीज़ें, तो वो जल के बाहर निकलती रहती है हमारे जिस्म से और हम ज़्यादा खाना भी खा लें तो सेहत ठीक ही रहती है। लेकिन जब हमारा जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसका यह है कि थोड़ी सी चर्बी हमारे अपने पास रखता है, ये निज़ाम, ये सिस्टम थोड़ी सी चर्बी अपने पास रखता है ताकि कभी हम कहीं सफ़र में हैं, जंगल में हैं, ऐसी जगह पर हैं जहाँ कुछ खाने को नहीं है, तो भूख तो लगती है आदमी को, तो भूख लगेगी तो जिस्म को तो कुछ चाहिए, तो उस वक्त ये सिस्टम इंसान को जो जमा हुई हुई चर्बी है वो सप्लाई करने लगता है, तो आदमी फिर बगैर खाना खाए भी बहुत देर तक रहता है। अब होता क्या है कि हम कभी मोटे होने लगे तो ख़ास तौर पर लड़कियां ये बहुत करती हैं कि मोटे होने लगे तो खाना छोड़ देती हैं। अब जब खाना बार बार कोई छोड़ता है तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये उल्टा सीधा हो जाता है, ये सिस्टम जो है उल्टा सीधा हो जाता है और भी ये चर्बी सप्लाई में ही लग जाता है। आप खाना नहीं भी खाएंगे तो ये सप्लाई कर रहा है चर्बी और फिर उसको आदत पड़ जाती है इसी चीज़ की, ये सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो फिर हम खाना नहीं भी खाते तब भी हम मोटे रहते हैं और खाना खाते हैं तो और मोटे होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए, इस सिस्टम को सही करने के लिए एक नुस्खा भी है और वो यह है कि मेथी, धनिया और आंवला, धनिया 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम और आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम, इसको खूब बारीक पाउडर बना लें और एक चुटकी नमक जैतून असली और एक चुटकी खाने का सोडा जो हमारे किचन में रहता ही है पानी मिला के, इस पानी से एक खाना खाएं, ये दवा खाएं, इस पानी से ये दवा खाएं, तो ये उस सिस्टम को सही करता है, जो एक सिस्टम है मेटाबॉलिज्म का, ये उसको दुरुस्त करता है। और इसके अलावा ये रोग और भी कई रोगों को फायदा करता है, जैसे किसी को थायराइड हो गया है तो ये उसको ठीक करते हुए काम करता है, किसी को वर्म हो गया लीवर पर या पेट में या आंतों में तो ये उसको वर्म को दूर करके काम करता है, लीवर सही काम नहीं कर रहा तो उसको ठीक करा के काम करता है, किडनी सही काम नहीं कर रही या आंतों में वर्म है, आंतें सही काम नहीं कर रही तो ये उसको भी अच्छा कर सकता है। कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। सर, एक मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, मेरी आज उनसे काफी टाइम बाद बात हुई है। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, उनको सर्वाइकल है, शुगर भी है, गैस भी कहते बहुत बनती है, पेट एक बार में साफ नहीं होता, 2-3 बार फारिक होना पड़ता है। तो सर्वाइकल के लिए तो आपकी चारों एक्सरसाइज बता देती हूँ उनको मैं,
और शुगर के लिए आपको बताते हैं जामुन का घोल, तो 2 बार वो, और एक नमक जैतून जिससे जो है ना कोई साइड इफेक्ट ना हो और पेट वगैरह भी उनका ठीक हो जाएगा उससे। उनके साथ 6 चीजों का सफर दूं या 4 चीज वाला जो आज आप बता रहे थे, तो ये बताइए क्या उनको। उन्होंने कहा कि मेरे को जो है ना माइग्रेन है, तो मैंने उनसे पूछा कि माइग्रेन है सिर का दर्द कैसे होता है, कहते नहीं मेरे को तो बहुत तेज होता है और जो है ना आम गोली खाते हैं फिर ठीक होते हैं। उनका माइग्रेन नहीं है फिर तो आपको, क्योंकि माइग्रेन जो होता है तो वो तो उनके लिए तो मतलब स्पेशल होती है मेडिसिन, और आम नॉर्मल मेडिसिन से आपको आराम नहीं आएगा। जी सही कहा तो आपने। ये सब ठीक है क्या? और दूसरा सवाल, कल सर मैंने पढ़ा था अपनी पोती के लिए आपसे पूछा था ना, उसकी जो कोरों में है जो डार्क है बीच में जॉइंट्स की जगह हैंड्स में, तो आपने कहा था कि उनका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, तो हीमोग्लोबिन तो उनका 12-13 रहता है। मैंने आज ही पूछा सुबह, तो मैंने कहा बेटा हीमोग्लोबिन कितना, कहने की अब तो दादी मैंने कराई नहीं, मेरा तो 12-13 13.5 तक रहता है, मेरा तो कभी कम हुआ ही नहीं है आज तक बचपन से भी। तो और क्या वजह हो सकती है, या दोबारा टेस्ट कराए उसका हीमोग्लोबिन? उनका तो क्या बचपन से ही है, ज्वाइंट्स क्या रोक था उनका? ज्वाइंट्स में नहीं बताया था आपको, डार्क डार्क मतलब कि काली काली वो हो जाती है ना ज्वाइंट से, जैसे मेहंदी लगा रखी इतना का डार्क कलर है और बाकी हाथ उसका बहुत गोरा है। तो आपने कल बताया था ना हीमोग्लोबिन कम हो सकता है उसका। ठीक है। हाँ देखिए वो स्किन के रोगों में जहाँ भी ऐसे स्पॉट्स हो जाए या और कोई स्किन का रोग है तो ज़्यादा अच्छा आपको पता है जो नुस्खा काम करता है वो है अलसी और नमक जैतून का नुस्खा। तो ये लें आधी से 1 चम्मच अलसी और नमक जैतून 1 चुटकी, और ज़रूरत पड़े तो 2 चुटकी भी ले सकते हैं दिन में 1 बार या 2 बार, तो ये स्पॉट्स ठीक हो जाना चाहिए। और एच बी करा लिया तो अच्छा है, शक था मुझे कि कम हो सकता है। जो आपकी फ्रेंड तो आपने सर्वाइकल की एक्सरसाइज बाकायदा बता दीजिए, चाहे तो अपनी वीडियो बना के उनको भेज दीजिए, और मिलती हैं तो बाकायदा अपने सामने कराइए और उनसे कहिए कि 10-15 दिन तो लगातार करें, फिर उसके बाद इतना फ़ायदा नज़र आ जाता है कि आदमी खुद ही करने लगता है। इस एक्सरसाइज का यही एक नियम है कि जब फ़ायदा नज़र आने लगता है तो आदमी खुद करने लगता है। अच्छा उन्हें जो 4 चीज़ों का ही आप सफ़ूक दें, और अगर नहीं हो तो फिर 7 चीज़ों का सफ़ूक देना, और यानी सौंठ, ये जो मैंने 7 चीज़ों का बताता हूँ उसमें अलसी भी शामिल करता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, अलसी। तो हजम में अगर परेशानी है तो अलसी और सौंठ मिलके बहुत अच्छा हाजमा करती है और गैस पास करती है, एसिडिटी दूर करती है, और सौंफ भी हाजिम है, धनिया भी हमारी लैट्रिन को आगे सरकाता है, और वर्म हो तो ये नमक जैतून तो है ही उसको दूर करने के लिए। तो ये आप बिल्कुल सही नुस्खा दिया है, और चेंज करना पड़े तो चेंज कर देना, लेकिन उनसे कहना दिलचस्पी से लें और इसको भगवान से मदद भी मांगे तो अच्छा होना मुमकिन है। सरोज जी स्वागत है आपका। सर मैं 2 महीना 5 दिन हो गए आपके यहाँ से काला गोंद खा रही हूँ, वैसे तो मुझे बहुत आराम है, मेरा ना सीधा वाला हाथ ऊपर नहीं होता था, उसमें ना पूरा ठीक हो गया, काफी आराम है, कमर दर्द भी चला गया, बस घुटनों का दर्द है, सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त देता है, और मेरा ना ये सीधे हाथ का अंगूठा है सर, मैं 5 दिन पहले भी आपको फोन में बताई थी, इसमें ना मेरा नस चढ़ गया है, इतना तकलीफ है, मैं आटा नहीं लगा सकती, लोटा भर के पानी नहीं खा सकती, और इसको क्या बोलते हैं एलोपैथी के डॉक्टर पास गए थे तो इस तरह में ना चढ़ा हुआ है, 10 दिन की दवाई दिए थे उन्होंने, तो दवाई खाते तक ठीक था, दवाई ठीक खत्म हो गया तो फिर से दर्द वापिस आ गया, इसको क्या करूँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ। अंगूठे की जो नस पे नस चढ़ गई है। पैर के अंगूठे जी की। जी और देखिए अगर चाहें तो
उन डॉक्टर से और भी दवाई ले सकते हैं जिनकी दवा देने से अंगूठे में फ़ायदा था, और ये नुस्खा ना छोड़ें क्योंकि इससे आपको 75% फ़ायदा हो चुका है या उससे भी ज़्यादा। तो ये दवा धीरे धीरे आपको मालूम है काम करती है, गौंसिया धीरे धीरे काम करता है, और फौरी तौर पर फ़ायदा के लिए आप कोई भी दवा इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी पूरा ठीक होना आपका मुमकिन है।